इस वीडियो में हम लोग इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप इन बेंजीन रिंग ठीक है पढ़ेंगे। ठीक, देखिए होता क्या है कि आपका बेंजीन रिंग है, यहाँ पे OH ग्रुप है, इसके ये लोन पेयर्स हैं। ठीक है, अब इनके चलते होगा क्या कि किसी इन पोजीशन में से किसी पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और कहीं पे घटेगी। ठीक है, तो यहाँ पे दो ठो इफेक्ट देखने को मिलेगा, एक रेजोनेंस इफेक्ट और एक इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो पहले हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट देखते हैं। क्या होगा कि दोनों ये लोन पेयर यहाँ आएगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा। ठीक है, आइए चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक, यहाँ पे आ गया निगेटिव चार्ज, ये सब ऐसे ही है। अब क्या होगा अगले स्टेप में कि ये निगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। यहाँ जाने का मतलब क्या है कि ये बॉन्ड एक तरह से दो चीज दो भाग में टूट जाएगा, किसमें किसमें, तो एक तो निगेटिव में और एक पॉजिटिव में, और ये पॉजिटिव नेगेटिव अगले प्रोसेस में मिल करके एक बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पे बचेगा नेगेटिव चार्ज। ठीक, इसको देखते हैं ऐसे। अगले स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पे एक बॉन्ड होगा और यहाँ पे होगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ही। ठीक, अब अगले स्टेप में क्या होगा कि ये यहाँ पे जाएगा और ये बॉन्ड ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा एक बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ही। अब फिर अगले स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पे ये टूट जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव में, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को मिलकर न्यूट्रलाइज कर देगा, यहाँ पे बन जाएगा बॉन्ड। चलिए उसको बना ही देते हैं। ठीक है, हुआ क्या कि पहले बॉन्ड यहाँ पे थे, अब यहाँ पे आ गए, तो इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर को देख के एक बात हमको पता चली, यहाँ पे हुआ बस इतना है कि ये डबल बॉन्ड जो थे एक जगह फिक्स नहीं थे, यहाँ पे भी हो सकते हैं यहाँ पे भी हो सकते हैं, मतलब कि ये घूमते हुए हैं, इसमें इनका पोजीशन फिक्स नहीं है। पर ये जो हुआ सो हुआ, एक चीज़ और देखने को पता चलता है कि इस प्रोसेस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे। ठीक है, ये दोनों एक ही पोजीशन है, बस डायरेक्शन अलग है, तो ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है। ठीक, तो कैसे बढ़ी है, तो रेजोनेंस इफेक्ट से बढ़ी है, इसलिए इसका नाम देंगे हम लोग प्लस आयर इफेक्ट। ठीक है, क्योंकि आयर का मतलब रेजोनेंस और प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है। कहाँ का बढ़ी है भी लिख लेते हैं, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। ठीक ठीक है, एक इफेक्ट और डिस्कस करते हैं हम लोग, वो है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अब जैसा कि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, उस खींचने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी, तो उसका नाम होगा माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटी है, और क्यों घटी है, तो इंडक्टिव इफेक्ट के चलते घटी है। ठीक है, कहाँ घटेगी, ऑर्थो पोजीशन पे भी, पैरा पोजीशन पे भी, मेटा पोजीशन पे भी, हर पोजीशन पे। ठीक है, अब एक चीज हमको पता चलती है यहाँ पे कि प्लस आई इफेक्ट जो है यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट से ज़्यादा है, मतलब कि OH ग्रुप के चलते दोनों इफेक्ट है, प्लस आई भी है जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, माइनस आई भी है जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटी, ओवरऑल क्या हुआ,
तो ओवरऑल जैसा कि आप देख रहे हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट ज़्यादा है इंडक्टिव इफेक्ट से, इसलिए ओवरऑल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर क्या है, किसका ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर क्या है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ पे पैरा पोजीशन पे, फिर है ऑर्थो पोजीशन पे, फिर है मेटा पोजीशन पे। अच्छा ये ऑर्डर तो है, पर यहाँ पे एक बात और समझना पड़ेगा हम लोगों को कि मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी नहीं है, मेटा पे खाली क्योंकि मेटा पोजीशन पे, इस पोजीशन पे तो रेजोनेंस इफेक्ट का कोई प्रभाव ही नहीं है। देखिए इस पोजीशन पे तो कोई प्रभाव नहीं है, इसलिए यहाँ पे खाली माइनस आई इफेक्ट लगा है। पैरा पोजीशन पे और ऑर्थो पोजीशन पे तो दोनों इफेक्ट का असर है और आई ज़्यादा है इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है, पर मेटा पोजीशन पे प्लस आई इफेक्ट का कोई असर नहीं है, खाली माइनस आई इफेक्ट का असर है इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई है। ठीक है, कहाँ पे, तो मेटा पोजीशन पे, इन दोनों पे बढ़ी है, इन दोनों पे घटी है, और उसका ऑर्डर क्या है तो ये है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और आगे की वीडियो में हम लोग इस पे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे 2-3। ठीक है, और उसके बाद हम लोग OH जैसे ग्रुप है, उसे NH2 NO2 जितने भी ग्रुप हैं GOC में, उसका हम लोग इफेक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ हम लोग 20-25-50 एग्जाम्पल्स सबका कंबाइन करके लगाएंगे। ठीक है, थैंक यू।